वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? आज हम घर पे अकेले हैं तो मैंने कहा चले खुद कुकिंग करता हूँ मैं, तो आपको भी साथ एंजॉय करवाता हूँ। और आप सब ठीक हैं? बनाऊंगा चिकन कढ़ाई खुद, तो घर पे कोई नहीं था तो मैंने कहा चलो खुद ही आज कुकिंग करते हैं। तो ये हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल डाल के थोड़ा सा चिकन, टमाटर दो तीन चार टमाटर काट लिए हैं, मिर्च वगैरह, साग मत साथ साथ आपको बताते जाएंगे। ये हमारा घी, चलो से थोड़ा थोड़ा ब्राउन चिकन हो गया, इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा भून लेते हैं, फिर थोड़ी देर इसको दम देंगे, फिर आप हिसाब से बताते रहेंगे। ओके व्यूअर्स, लाल मिर्ची डाल दी और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, काली मिर्च भी डालेंगे मगर एंड में डालेंगे इंशाल्लाह। ये हमने थोड़ा सा भून लिया है, अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। मसाले वगैरह ऐड करके थोड़ा सा भूनना है, फिर वीडियो बनाने वाला कोई नहीं, मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूँ, खुद ही कुकिंग कर रहा हूँ, सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ। चले मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। मसाले वगैरह डाल दिए और थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स भी कर लिया है, तो ये माशाल्लाह से तैयार हो रही है। इसको थोड़ा सा फिर दम पे लगाते हैं, फिर मिर्च वगैरह अदरक वगैरह सारा कुछ डालेंगे। इसको फ्राई कर लिया अच्छी तरह से, ये जी माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये जो आप समझ रहे हैं कि जल गई होगी, एक जली नहीं है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने वो कढ़ाई दूसरी रख दी थी, रख नहीं दूसरी थी, ये दूसरी कढ़ाई रख दी, थोड़ी पतली कढ़ाई है ना, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त शक्ल है। आप भी बनाना इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा।